हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वीज ये जीनियस क्लासेस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो ABCD, गिवन बिलो ABCD इज रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड इन ईच केस, एक्स एंड बाई इन ईच केस। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ये आपका क्या है, रोम्बस। ठीक है ना। और रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके। अब देखिए अगर रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होंगी तो जो बताओ ये साइड अगर इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, है ना। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा तो क्या करें, यहाँ लिख दो AB = BC। ठीक है ना। तो आपका एंगल ये क्या हो जाएगा, एक्स, यानी कि एंगल BAC इक्वल एंगल BCA इक्वल एक्स। और यहाँ क्या लिखोगे, साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है ना, इसलिए वो इक्वल है। अब क्या करेंगे, अब हमें एंगल वैल्यू निकालनी एक्स की, तो क्या कर देंगे, तो लिख लीजिएगा एक्स प्लस एक्स प्लस 110 इक्वल 180 डिग्री। तो 2x इक्वल कितना आ गया, 180 माइनस 110। तो x इक्वल कितना आएगा, यहाँ आएगा 70, और 2 मल्टीप्लाई वाला किस में आएगा, डिवाइड में। 2 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 35। ठीक है ना, x इक्वल 35 निकल आया। लेकिन हमें क्या निकालना है, वाई। और आपको पता इस पूरे एंगल और इसका सम 180 होता है। ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई प्लस 110 इक्वल 180। तो एक्स कितना है, 35 प्लस वाई प्लस 110 इक्वल 180। तो वाई इक्वल कितना आएगा, 180 माइनस, देखिए 110 और 135 को, वो सॉरी 110 और 35 को ऐड करेंगे तो 145 आएगा, और इसको माइनस किया तो कितना आएगा, 35। ठीक है ना। ये निकल आई एक्स और वाई की वैल्यू। क्लियर। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है वो भी देख लो। सेकेंड पार्ट में हमारा देखो, ये एक्स दिया है, ये वाई दिया है ना, और ये दिया है आपका 40 डिग्री। ओके। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है, 90, और ये भी 90। और आपको पता है ये साइड इसके इक्वल है, है ना। तो सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, वी नो दैट AB = AD। अगर AB और AD इक्वल हो गया, AB और AD इक्वल हो, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल, तो x = y आ जाएगा ना, तो x = y। ठीक है ना। ओके। इसे डाल दिए फर्स्ट, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है तो हम ये ट्राइंगल लेंगे, यानी 40 प्लस एक्स प्लस 90 इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इन ट्राइंगल OAB। तो 40 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल 180। तो देखिए एक्स इक्वल कितना आएगा, 180 माइनस 90 और 40 कितना होता है, 130। तो 130 को कर दिया माइनस, तो एक्स इक्वल कितना निकल आया, 50 डिग्री। एक्स जब 50 निकला तो वाई भी 50 निकलेगा ना, तो लिख दीजिए y = x = 50 डिग्री। ये दोनों ही एंगल 50 निकल आए। क्लियर। ये था आपका सेकेंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, इसका थर्ड पार्ट क्या है, देखो ये तो बहुत सिंपल है। ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, क्योंकि रोम्बस में इक्वल भी होती है पैरेलल। तो ये एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 65। ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख लीजिएगा x = 62 डिग्री। सॉरी, यहाँ लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख दिया इसको। ओके। अब क्या करेंगे हम, ये 90 होता है और ये अब हमें निकालना बाई। ठीक है ना। तो देखो 62 ये निकला है, और आपको पता है यहाँ पर एंगल 90 है और ये बाई, और ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल।
तो सबसे पहले तो हम इस एंगल को निकालेंगे, या फिर ऐसा कर लो ये 62 इधर एक होगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा ए बी इक्वल बी सी, तो ए बी इक्वल बी सी निकल आया। तो अगर ए बी इक्वल बी सी है तो ये एंगल इसके 62 के इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा 62 के, यानी कि एंगल बी सी ए इक्वल क्या हो जाएगा 62। अब ये 62 अगर निकल आया तो 62 प्लस 90 प्लस बाई कितना हो जाएगा 180 टी। तो 62 प्लस बाई प्लस 180 डिग्री इक्वल क्या हो गया, सॉरी 62 प्लस बाई प्लस 90, यहाँ पर क्या होगा 90 इक्वल 180 डिग्री। ये कंडीशन कौन सी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ओके ये मालूम होनी चाहिए आपको। तो बाई इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90 और 62 को ऐड करो तो कितना आएगा 152। तो माइनस कीजिए 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, यानी कि बाई इक्वल निकल आया 28, कितना निकला 28। ओके ये हो गया आपका क्लियर ऑप्शन।